एक मायावी दर्पण में तीन लड़कियां राजकुमार, अजीत, अरुण और अर्जुन को देख रही थी। आखिर कौन थी ये? वहां दूसरी ओर राजकुमारों के महल में हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि आज राज्य में पंडित आए हुए थे कई अन्य राज्यों की राजकुमारियों का चित्र लेकर, ताकि वो तीनों भाइयों का विवाह करा सकें। हे भगवान, आखिर दिक्कत क्या है आपकी? क्यों कराना चाहते हैं आप हम तीनों का विवाह? पंडित जी, हमारी जान बख्श दीजिए। बिल्कुल सही कहा, आपके कारण अब पिताजी महाराज भी यही चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ पंडित जी, आपको ये सब करने के लिए पाप लगेगा, पाप। तो कृपया करके आप हमारा विवाह करने का प्रयास बंद कीजिए। बेटा, चाहे कितने भी पाप लग जाएं, विवाह तो आप तीनों का करना ही पड़ेगा। आखिरकार राज्य को आगे भी तो बढ़ाना है या नहीं? इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। तभी महाराज आते हैं और पंडित जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने, विवाह तो करना ही पड़ेगा आप तीनों को। अरे एक बार ये तीन राजकुमारियों का चित्र तो देख लीजिए। तीनों राजकुमारों के मना करने के बाद भी पंडित जी राजकुमारों को चित्र दिखाते हैं और तीनों भाइयों को जैसे एक जोर का झटका लगता है। राजकुमारियों की सुंदरता देखकर वो तीनों खुद की मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाते हैं। तभी पंडित जी उन तीनों की प्रसन्नता देख लेते हैं और कहते हैं, अच्छा, अगर आपको ये तीनों राजकुमारियां नहीं पसंद तो ठीक है, हम इनका विवाह किसी और राजकुमारों से करवा देते हैं, ठीक है ना? पंडित जी की ये बात सुनकर तीनों भाई एक साथ कहते हैं कि उन्होंने कब कहा कि उन्हें विवाह नहीं करना, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर महाराज और पंडित जी हंसने लगते हैं और उन्हें ये रिश्ता मंजूर है ये संदेश राजकुमारियों के राज्य सुंदर नगर भेज देते हैं। संदेश भेज तो देते हैं महाराज, लेकिन अब तीनों राजकुमार बेसब्री से उनके संदेश के जवाब आने का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन जब राजकुमार महल में होते हैं, तब उन्हें एक सिपाही आकर बताता है कि एक किसान के घर में आग लग गई है और उन्हें उस किसान को बचाने के लिए उन्हें उनकी सहायता चाहिए। राजकुमार अरुण उस सिपाही के साथ जाते हैं क्योंकि उनके पास पानी की शक्ति है जिससे वो उस आग को चुटकियों में बुझा देंगे। राजकुमार अरुण के जाते ही एक दूसरा सिपाही वहां आ जाता है और वो कहता है कि अचानक से राज्य के एक गांव में बर्फ गिरने लगी है और राज्य की जनता ठंड से कांप रही है और उनका पानी तक पीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जनता जिस नदी से पानी पीने के लिए भरती थी वो तो जम चुकी है। ये सुनकर राजकुमार अजीत उस सिपाही के साथ जाते हैं। राजकुमार अजीत के जाते ही एक और सिपाही आता है। उसके कुछ कहने के पहले ही राजकुमार अर्जुन उससे कहते हैं, अब क्या हुआ? कृपया करके अब तुम कोई बुरी खबर नहीं सुनाना। लेकिन सिपाही राजकुमार को बताता है कि एक बच्चा खेलते खेलते पहाड़ से गिर गया और नीचे एक छोटी सी जगह पर फंस गया है। ये सुनकर बिना कोई समय बिताए राजकुमार अर्जुन सिपाही के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अरुण उस किसान का घर जलने से बचाते हैं। आग बहुत भयंकर थी, लेकिन उनकी शक्तियों के आगे वो आग टिक नहीं पाई। लेकिन जब राजकुमार अजीत उस जगह आए जहां बर्फ गिरी थी, वहां सब तहस नहस हो गया था। लोग ठंड से कांप रहे थे और पानी पीने तक को तरस रहे थे। राजकुमार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पानी को पिघलाया और हर जगह जहां जहां बर्फ जम गई थी वहां के बर्फ को पिघलाकर लोगों की रक्षा की। और राजकुमार अर्जुन ने भी उस बच्चे की रक्षा की और उसे बचा लिया। सब ठीक होने के बाद तीनों राजकुमारों के मन में बस यही बात आ रही थी कि आखिर उनके राज्य में एक साथ इतनी मुसीबतें आ कैसे रही हैं। मुझे तो लगता है कि कोई हमारे साथ षड्यंत्र रच रहा है, वरना आज तक क्या कभी हुआ है कि एक ही साथ इतनी मुसीबतें आ गई हों? हाँ, तुम सच कह रहे हो, लेकिन आखिर कौन है वो और हमारे साथ ये सब करके वो क्या हासिल करना चाहता है? तभी वहाँ एक संदेशवाहक आता है और राजकुमारों से कहता है कि उन्हें तीनों राजकुमारियों के स्वयंवर में जाना होगा। स्वयंवर? कैसा स्वयंवर? हमें लगा कि उन्होंने ही तो हम तीनों भाइयों के लिए रिश्ता भेजा था, फिर ये अचानक से स्वयंवर क्यों? संदेशवाहक कहता है कि ये वहां के महाराजा का नहीं मगर राजकुमारियों का फैसला है। इसके पहले कि राजकुमार कुछ कहते, तभी एक तीर उनके कक्ष की दीवार को आकर लगा। सभी चौंक गए, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उन्हें दिखता है कि उस तीर पे एक छोटा सा पत्र लगा हुआ था। राजकुमार अरुण वो पत्र खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो शुरुआत है और कठिन मुसीबतें आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। और हाँ, हम कौन हैं ये आपको जल्द समझ में आ जाएगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। ना जाने अब और क्या मुसीबत आने वाली है राजकुमारों पे, जानने के लिए देखते रहिए हिंदी स्टोरी बॉक्स। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजकुमारों को जो पत्र मिला था उसमें कैसे आने वाली मुसीबत के बारे में बताया गया था। अब देखिए आगे। तीनों राजकुमार स्वयंवर में जाने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं, लेकिन उनके मन में उसी पत्र का विचार बार बार आ रहा था कि आखिर कौन है जो उन्हें ऐसे परेशान कर रहा है। भैया, हम जानते हैं कि आप किस चिंता में हैं, लेकिन अब जो होगा उसका सामना हम तीनों साथ में करेंगे। लेकिन कोई तो था जो तीनों राजकुमारों पे नजर रखे हुए था और उन तीनों को एक मायावी दर्पण से देख रहा था। और दूसरी ओर तीनों भाई बिना रुके अपनी यात्रा पे चल रहे थे। आखिरकार वो सुंदर नगर आ ही गए। उनका महल के प्रवेश पर स्वागत होता है और वो ये भी देखते हैं कि वहाँ अन्य राज्यों के राजकुमार भी आए हैं। देखो तो कितने राजकुमार आए हैं, हमें हमारी शक्ति इन सब के सामने साबित करनी होगी। भैया, इन राजकुमारों के सामने कौन अपनी शक्ति साबित करना चाहता है? हम तो नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि बस राजकुमारी को हमारी शक्ति और हम भी पसंद आ जाएं। राजकुमार अरुण की ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। पहली और दूसरी चुनौतियों में तीनों राजकुमार दूसरे राजकुमारों को बुरी तरह पराजित कर देते हैं। अब केवल आखिरी चुनौती और आखिरी 3 राजकुमार रह गए थे, जिन्हें हराकर राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन राजकुमारियों को जीत जाते और उनका विवाह उनके साथ हो जाता। अगले दिन आखिरी चुनौती होती है और इस चुनौती में राजकुमारों को अपनी शक्ति दिखानी होती है और 2 अलग अलग राज्य के राजकुमारों को एक दूसरे से मुकाबला करना होता है। संपूर्ण राज्य और राजकुमारियां राजकुमारों का वीर प्रदर्शन देखने आते हैं और ये भी कि कौन जीतेगा राजकुमारियों को। पहले राजकुमार अजीत जाते हैं और पहले ही दाव में दूसरे राजकुमार को धूल चाटने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन दूसरा राजकुमार हार मानने वाला नहीं था। उसने राजकुमार अजीत को उठाकर पटक दिया और हंसने लगा और उस राजकुमार ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, चलो अब उठो, अगर हिम्मत है तो अपनी शक्ति दिखाओ। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अरुण और दूसरे राजकुमार कनिष्क का घमासान युद्ध चल रहा था। राजकुमार कनिष्क के पास मायावी शक्तियां थी, वो एक से अनेक हो सकते थे, इसलिए कौन असली राजकुमार कनिष्क है ये राजकुमार अरुण के लिए समझना मुश्किल था। वो हमला तो करते थे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि वो जिस पर भी हमला करते वो बस राजकुमार कनिष्क का एक मायावी रूप होता था। हे भगवान, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली निकले। कहीं राजकुमारी इन्हें और इनकी शक्ति देखकर प्रसन्न ना हो जाए। और वहीं राजकुमार अर्जुन का मुकाबला राजकुमार आयुष से था, जिसके पास किसी भी इंसान को काबू में करने की शक्ति थी। राजकुमार अर्जुन को लग रहा था कि राजकुमार आयुष उनके सामने हैं और वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन असल में राजकुमार आयुष उनके पीछे खड़े होते हैं। लड़ते लड़ते राजकुमार अजित, अरुण और अर्जुन राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष से बेहद थक जाते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हम जान गए हैं कि आप तीनों बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़ जाए। हाँ, हमें लड़ना मंजूर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। तभी राजकुमार चंद्र, कनिष्क और आयुष मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से वहाँ से पूरी प्रजा और राजकुमारियाँ जो बैठकर उन्हें देख रही थी वो गायब हो जाती हैं और तीनों राजकुमार सुंदर राजकुमारियों में बदल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कोई हमें बताएगा ये क्या हो रहा है? राजकुमारों के कुछ कहने से पहले तीनों राजकुमारियों के पिता वहां के महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, हम आपसे माफी मांगते हैं अपनी तीनों शरारती राजकुमारियों की तरफ से और हमारी तरफ से भी। असल में ये तीनों अपने होने वाले वर की परीक्षा लेना चाहती थी और हम मना नहीं कर सके। ये देखना चाहती थी कि इनके होने वाले पति इनके जितने ही शक्तिशाली हैं या नहीं। इसका मतलब जो हमारे साथ अब तक हो रहा था वो सब इन्होंने किया था। हाँ बेटा, ये सब मेरी बेटियों ने किया है और इनके पास भी जादुई शक्तियाँ हैं। और बेटा, वो सब जो आपने देखा कि किसान के घर में आग लगना और बर्फ गिरना, वो सब एक माया था। राजकुमार अजीत कुछ देर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, तो क्या अब तीनों राजकुमारियां हम तीनों भाइयों से विवाह करेंगी? राजकुमारियां मुस्कुराते हुए हाँ कहती हैं। तो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। राजकुमारियों ने पूछा कि क्या शर्त है आपकी? तो राजकुमार अरुण ने कहा, यही कि आप विवाह के बाद जब हमसे लड़ेंगी तब कृपया करके अपनी शक्तियां प्रयोग ना करें। हम तो इस मुकाबले में थक ही गए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और तीनों राजकुमारों का विवाह राजकुमारियों से हो जाता है। राज्य में सब मंगल और खुशहाल चल रहा था, लेकिन ये तो शायद आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन स्वार्थहीन भाव से अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उनके प्रजा पे आने वाले हर दुख से उनकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन राजकुमार अजीत को उनके एक खबरी से ये खबर मिली कि कोई असामान्य दिखने वाला व्यक्ति उनके राज्य में घूम रहा है। कहीं वो कोई दुश्मन राज्य का गुप्तचर तो नहीं? राजकुमार ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को अगले दिन उनके सामने पेश किया जाए। अगले दिन राजकुमार अजीत, राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया गया। ये सभा एक गुप्त सभा थी जिसमें केवल राजकुमार ही मौजूद थे। कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपकी ही तलाश में आया हूँ। ये सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और सोच में पड़ गए। मैं जानता हूँ कि आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ और साल 3050 से आया हूँ। ऐसा कहकर वो वैज्ञानिक अपने हाथ से एक यंत्र निकालता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जिसमें लोग मरते हुए रोते हुए दिखते हैं। और उसके बाद बिल्कुल राजकुमारों जैसा दिखने वाले लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही वंश से हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमारी सहायता करें। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो जाती है। आपने खुद देखा कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। लेकिन आपको भविष्य में इतना परेशान कौन कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में धरती पे बाहरी दुनिया का हमला हुआ है। धरती पे बाहरी दुनिया का हमला? हम कुछ समझे नहीं। जी हाँ, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और वो अब धरती के लोगों को गुलाम बना रहे हैं और उनसे जीतना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए जिससे कि हम उन्हें धरती से दूर भेज सकें। ये बात बेहद गंभीर थी, लेकिन हमारे तीनों राजकुमार डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी धरती को बचाने का सोचा और वैज्ञानिक के साथ भविष्य में जाने को राजी हो गए। फिर वो सब एक यंत्र में बैठे और वैज्ञानिक उनको अपने साथ भविष्य में ले गए। हम सब आज सोचते हैं तो भविष्य की कितनी सुंदर कल्पना करते हैं, मगर ये भविष्य अंधकार से भरा हुआ था, बाहरी दुनिया के जीव के आतंक से भरा हुआ। तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, इतना दुख कि अब जिसने भविष्य के धरती की ये हालत की है वो उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने वैज्ञानिक को कहा कि हमें ले चलो उस विदेशी जीव के पास, हम हमारी धरती के लिए उसका अंत कर देंगे। जी राजकुमार, लेकिन उसके पहले हमें भी तैयारी करनी होगी आपका साथ देने के लिए। वैज्ञानिक राजकुमारों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। वो खाते ही राजकुमारों को बेहोशी जैसा लगता है और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है हमें? तभी वैज्ञानिक हंसने लगता है और अचानक से एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो जाता है जो राजकुमारों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते, वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वैज्ञानिक और भविष्य के तीनों भाइयों को उस एलियन ने बांध कर रखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अतीत से आकर हमें मार दोगे? हमें पहले से पता था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए वैज्ञानिक के पीछे पीछे हम भी समय में पीछे चले गए और तुम्हारा पता चलते ही वैज्ञानिक को अगवा कर लिया और तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आ गए। ये सुनकर राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया। फिर उस एलियन ने राजकुमारों पे हमला करना चाहा। तभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने जादुई अवतार में आ गए। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम सब बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने राजकुमार अजीत पे हमला किया, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर राजकुमारों पे नहीं हुआ। हो गया, अब हमारी बारी। राजकुमारों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अरुण ने उस पे पानी के गोले से हमला किया। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि पानी बेहद तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। फिर राजकुमार अर्जुन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर के आने वाले पानी को बर्फ में बदल दिया। वो एलियन अब जम चुका था। कैसा लग रहा है इस गर्मी में बर्फ बनकर? तभी वो एलियन बर्फ को तोड़कर थरथराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही राजकुमार अजीत कहते हैं, ओह क्यों ठंडी लग रही है? आग के गोले खाना पसंद करोगे क्या? एलियन अब डर जाता है और कहता है, नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। मैं आपकी धरती को छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे सभी साथियों को भी लेकर जाऊंगा। एलियन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया और धरती को छोड़कर चला गया। अब राजकुमारों का कार्य भविष्य में समाप्त हो गया था। उनके लौटने का वक्त भी आ गया था। वो भविष्य को अलविदा कहकर वापस लौट आए। तो देखा आपने, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पाताल लोक में एक खतरनाक और बेहद शक्तिशाली राक्षस का राज था, जिसका नाम मायासुर था। उसने पाताल लोक में सबका जीना मुश्किल कर दिया था। मैं तुम सब का राजा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम सब मेरे गुलाम हो। सब उसके अत्याचार से परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन जब मायासुर अपने महल से निकला तो एक नादान बालक खेलते खेलते उसके सामने आ गया। उसने शक्तियों के अहंकार में चूर। मायासुर ने बच्चे को देखा और कहा, ए बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे आगे चलेगा? लगता है आज तुझे तेरी मौत बुला रही है। और ऐसा कहकर उसने बच्चे को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे बच्चे पे क्या अपनी शक्ति दिखाते हो? अगर हिम्मत है तो उन तीन भाइयों को मार कर बताओ, तब समझेंगे हम कि तुम में कितनी शक्ति है। ये सुनकर मायासुर को बहुत गुस्सा आया। उसका जी चाहता था कि वो इस बूढ़ी औरत को भी मार दे, लेकिन वो जानना चाहता था कि वो तीनों भाई कौन हैं, जिनको हराने की चुनौती ये बूढ़ी औरत दे रही है। मुझे पता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसने तेरे दिल में ये उम्मीद जगाई? कौन है, बता मुझे। बूढ़ी औरत मायासुर को बताती है कि वो तीनों भाई धरती के वासी हैं और उन्हें जादुई शक्तियों का वरदान है। मायासुर ये बात सुनकर धरती पे आ जाता है और उन तीनों भाइयों को छुप कर देखता है ताकि उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सके। अरुण के शक्ति प्रदर्शन से प्रजा बेहद उत्साहित हो जाती है। मायासुर को ऐसे छुपकर तीनों भाइयों को देखते हुए एक मायावी तोता देख लेता है और हंसने लगता है। ये देखकर मायासुर को तोते पे बहुत गुस्सा आता है। तभी तोता मायासुर से कहता है, मायासुर, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहते हो ना, और इन तीनों भाइयों को छुपकर देख रहे हो, क्या यही तुम्हारी शक्ति है? अब तोते की बात को सुनकर मायासुर को और भी गुस्सा आ जाता है। ए तोते, तुझे क्या लगता है कि मैं इन तीनों भाइयों से डर गया? नहीं, कभी नहीं। मैं तो उनके एक साथ आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि एक ही साथ इन तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार कर पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं ही हूँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली। मायासुर को पता था कि वो तीनों भाई हर सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं। उसने यही समय सही समझा उन पर आक्रमण करने के लिए। अगले दिन वो नदी के पास उन तीनों की राह देख रहा था और हमेशा की तरह वो तीनों स्नान करने के लिए आए। मायासुर ने उन पे हमला कर दिया। नदी में से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी और ये आवाजें सुनकर मायासुर हंसने लगा। तभी अचानक से ये आवाजें बंद हो गई और पूरे वातावरण में शांति सी छा गई, क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या हुआ। मायासुर नदी के पास गया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नदी के किनारे दो भाई गिरे हुए थे। मायासुर को लगा कि दोनों भाई तो मर गए, लेकिन तीसरा भाई कहाँ है। तभी अचानक से मायासुर की तरफ पानी की बड़ी लहर आ गिरी। वो जब तक उस लहर में संभल पाता, उसने महसूस किया कि वो बर्फ में जम चुका है। कुछ देर बाद जब मायासुर को होश आया, तब उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि वो पेड़ से खुद को छुड़ा ले, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तभी तीनों भाई उसके सामने आकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? जरा डर लग रहा है ना? कितनी शर्म की बात है, पाताल लोक का राजा अब हमारे सामने ठंड से कांपते हुए डर रहा है। नहीं भैया, इसे डर नहीं लगता है, ये तो हमें मारने आया है और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। तभी मायासुर खुद को आजाद कर लेता है और अजीत पे हमला कर देता है। अजीत हवा में उड़ने लगता है और मायासुर से उसकी छड़ी लेकर तोड़ देता है। लेकिन अभी मायासुर हार मानकर बैठने वाला नहीं था। वो खुद भी हवा में उड़ने लगा और उसने अजीत पे हमला करके उसको नीचे गिरा दिया और हंसने लगा। तभी अरुण और अर्जुन ने अजीत को उठाया और अरुण ने अपनी पानी की शक्ति से मायासुर पे हमला कर दिया और उसको उठाकर पटक दिया। और फिर तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी शक्ति को मिलाकर मायासुर पे हमला कर दिया और मायासुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। क्यों, बोलती बंद हो गई? चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते थे। तभी वहाँ पर तोता आ जाता है और तीनों भाइयों को पूरी बात बताता है। पूरी बात जानने के बाद तीनों भाई ये फैसला लेते हैं कि वो उसे मार देंगे ताकि पाताल लोक उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाए। नहीं नहीं, मुझे सजा दीजिए, मेरी गलतियों के लिए मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे प्राण मत लीजिए। मायासुर को देखते हुए तीनों भाइयों को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी बात मान लेते हैं और उसकी सजा के लिए उसे उसके ही पाताल लोक में एक गुलाम बना देते हैं। आखिरकार मायासुर को उसके अहंकार की सजा मिल ही गई और उसे उसके लिए उसका फल मिला। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए, तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी, हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। आज राजमहल में राजकुमार अजीत को तो फुर्सत ही नहीं थी, और फुर्सत होती भी कैसे। आज उनके परम मित्र राजकुमार चंद्र जो आने वाले थे। राज्य में तो उनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब महल के मुख्य द्वार पर राजकुमार अजीत बेसब्री से उनके मित्र की राह देख रहे थे, तभी उन्हें दूर से कोई आदमी दिखा महल की तरफ आते हुए। उन्हें लगा कि कोई उनके राज्य की जनता में से है जिसे शायद आर्थिक मदद चाहिए होगी। अरे सुनो, वो आदमी को मुख्य रास्ते से हटाकर पूछो कि उसे क्या चाहिए, और अगर पैसे की मदद चाहिए तो उसे दे देना, मगर उसे इस रास्ते से निकालो। राजकुमार चंद्र कभी भी आते होंगे, उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनके रास्ते में कोई ऐसे ही चल रहा है। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए बोला। अरे सुनो, तुम्हें पता नहीं है कि जनता के लिए आज दरबार बंद है। राजकुमार अजीत ने कहा है कि अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि वो राजा चंद्र है और उसे राजकुमार अजीत से मिलना है। तुम राजा चंद्र कैसे हो सकते हो? तुम नहीं हो सकते। क्या हमारे राजकुमार अजीत की दोस्ती तुम्हारे जैसे फकीर के साथ होगी? जाओ 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 यहाँ से। आए बड़े खुद को राजा चंद्र कहने वाले। राजकुमार चंद्र को यह सुनकर बेहद दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि राजकुमार अजीत के सिपाही ने उनका अपमान किया है। हमारा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, हम तो राजकुमार अजीत से सहायता मांगने आए थे, हमारी राज्य की एक समस्या के लिए। इस अपमान का परिणाम राजकुमार अजीत के साथ साथ उनके दोनों भाइयों को भी भुगतना होगा। ऐसा सिपाही से कहकर राजकुमार चंद्र अपने राज्य क्रोधित होकर लौट गए और राजकुमार अजीत अपने मित्र की राह देखते ही रह गए, लेकिन उनके मित्र आए नहीं। ये देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। राजकुमार चंद्र अपने राज्य लौट जाने के बाद भी गुस्से की आग में जलते रहे और एक दिन उन्होंने सोचा कि जैसे राजकुमार अजीत ने एक सिपाही के जरिए उनका अपमान किया, वैसे ही अब वो एक सिपाही के जरिए उनसे बदला लेंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को राजकुमार अजीत के राज्य भेजा और कहा, सिपाही, कुछ ऐसा करो कि वो तीनों भाई आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं, तब होगा हमारा बदला पूरा। सिपाही ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमार अजीत के राज्य आ गया और तीनों भाइयों पे दृष्टि रखने लगा और अपनी चतुरता का उपयोग करते हुए राजमहल में सिपाही की नौकरी भी पा ली। एक दिन राजकुमार अरुण को अकेला पाकर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, राजकुमार जल्दी चलिए, महल के ऊपर के हिस्से में आग लग गई है। राजकुमार बिना कोई वक्त गंवाए गए और अपनी पानी की शक्ति से उन्होंने आग को बुझाया। अच्छा हुआ तुमने सही समय पे हमें सूचित किया, वरना ये आग बढ़ जाती। तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। तब राजकुमार चंद्र के सिपाही ने कहा, अब क्या बताएं राजकुमार, लेकिन आपसे छुपाना भी तो ठीक नहीं है ना। असल में राजकुमार अजीत ने ये आग लगाई है। सिपाही, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? जानते भी हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? जी हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ, ये राजकुमार अजीत ने ही किया है। असल में राजकुमार अजीत को मैंने पूछा कि राजकुमार आप कितने शक्तिशाली हैं, क्या आप राजकुमार अरुण से भी अधिक शक्तिशाली हैं? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे भाइयों से भी अधिक शक्तिशाली। और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ आग लगा दी। राजकुमार अरुण सिपाही की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उनका जी चाहा कि इस सिपाही को दंड दें, लेकिन दूसरी ओर राजकुमार अरुण ये सोच रहे थे कि अभी अभी जो सिपाही ने कहा, अगर उसमें तनिक भी सच्चाई हुई तो। करीब 2 दिन बाद राज्य में आग लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये आग लगना कोई हादसा नहीं था। असल में सिपाही ने आग लगाई थी ताकि वो ये अफवाह पूरे राज्य में फैला सके कि राजकुमार अजीत की लापरवाही के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसने इसी अफवाह की सहायता लेते हुए राजकुमार अरुण और राजकुमार अजीत के कान भरने चाहे और उसने राजकुमारों को यकीन दिला दिया कि ये जो हुआ उसके पूरे जिम्मेदार राजकुमार अजीत ही हैं। राजकुमार अरुण और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, फिर भी उन्होंने राजकुमार अजीत से बात करने की सोची। वो जैसे ही राजकुमार अजीत के कक्ष में गए, उन्होंने जो देखा उस पे यकीन करना मुश्किल था। राजकुमार अजीत अपनी आसपास की चीजों को अपनी शक्ति से जला रहे थे और ये करते समय उनके चेहरे पे एक शैतान जैसी हंसी थी। उनकी आंखें लाल थी, जैसे उनके शरीर पे किसी शैतान का वास था। आखिर ये राजकुमार अजीत को क्या हो गया था कि वो ऐसा कर रहे थे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी स्टोरी बॉक्स, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते रहिए हिंदी स्टोरी बॉक्स। राज्य में सब मंगल और खुशहाल चल रहा था, लेकिन ये तो शायद आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। राजकुमार अजीत, अरुण और अर्जुन स्वार्थहीन भाव से अपने राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो उनके प्रजा पे आने वाले हर दुख से उनकी रक्षा कर रहे थे। एक दिन राजकुमार अजीत को उनके एक खबरी से ये खबर मिली कि कोई असामान्य दिखने वाला व्यक्ति उनके राज्य में घूम रहा है। कहीं वो कोई दुश्मन राज्य का गुप्तचर तो नहीं? राजकुमार ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को अगले दिन उनके सामने पेश किया जाए। अगले दिन राजकुमार अजीत, राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया गया। ये सभा एक गुप्त सभा थी जिसमें केवल राजकुमार ही मौजूद थे। कौन हो तुम और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपकी ही तलाश में आया हूँ। ये सुनकर तीनों राजकुमार दंग रह गए और सोच में पड़ गए। मैं जानता हूँ कि आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ और साल 3050 से आया हूँ। ऐसा कहकर वो वैज्ञानिक अपने हाथ से एक यंत्र निकालता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जिसमें लोग मरते हुए, रोते हुए दिखते हैं। और उसके बाद बिल्कुल राजकुमारों जैसा दिखने वाले लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही वंश से हैं, हमें आपकी जरूरत है, हमारी सहायता करें। ये कहते ही वो रोशनी गायब हो जाती है। आपने खुद देखा कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। लेकिन आपको भविष्य में इतना परेशान कौन कर रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में धरती पे बाहरी दुनिया का हमला हुआ है। धरती पे बाहरी दुनिया का हमला? हम कुछ समझे नहीं। जी हाँ, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं और वो अब धरती के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, और उनसे जीतना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए जिससे कि हम उन्हें धरती से दूर भेज सकें। ये बात बेहद गंभीर थी, लेकिन हमारे तीनों राजकुमार डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी धरती को बचाने का सोचा और वैज्ञानिक के साथ भविष्य में जाने को राजी हो गए। फिर वो सब एक यंत्र में बैठे और वैज्ञानिक उनको अपने साथ भविष्य में ले गए। हम सब आज सोचते हैं तो भविष्य की कितनी सुंदर कल्पना करते हैं, मगर ये भविष्य अंधकार से भरा हुआ था, बाहरी दुनिया के जीव के आतंक से भरा हुआ। तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ इतना दुख कि अब जिसने भविष्य के धरती की ये हालत की है वो उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने वैज्ञानिक को कहा कि हमें ले चलो उस विदेशी जीव के पास, हम हमारी धरती के लिए उसका अंत कर देंगे। जी राजकुमार, लेकिन उसके पहले हमें भी तैयारी करनी होगी आपका साथ देने के लिए। वैज्ञानिक राजकुमारों को अपनी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। वो खाते ही राजकुमारों को बेहोशी जैसा लगता है और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है हमें? तभी वैज्ञानिक हंसने लगता है और अचानक से एक ऐसे जीव में परिवर्तित हो जाता है जो राजकुमारों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाते वो बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को होश आता है तो वो देखते हैं कि वैज्ञानिक और भविष्य के तीनों भाइयों को उस एलियन ने बांध कर रखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अतीत से आकर हमें मार दोगे? हमें पहले से पता था कि तुम सब यहाँ आने वाले हो, इसलिए वैज्ञानिक के पीछे पीछे हम भी समय में पीछे चले गए और तुम्हारा पता चलते ही वैज्ञानिक को अगवा कर लिया और तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आ गए। ये सुनकर राजकुमारों को अत्यंत क्रोध आया। फिर उस एलियन ने राजकुमारों पे हमला करना चाहा। तभी राजकुमारों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने जादुई अवतार में आ गए। चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम सब बच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने राजकुमार अजीत पे हमला किया, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर राजकुमारों पे नहीं हुआ। हो गया, अब हमारी बारी। राजकुमारों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार अरुण ने उस पे पानी के गोले से हमला किया। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि पानी बेहद तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। फिर राजकुमार अर्जुन ने अपने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर के आने वाले पानी को बर्फ में बदल दिया। वो एलियन अब जम चुका था। कैसा लग रहा है इस गर्मी में बर्फ बनकर? तभी वो एलियन बर्फ को तोड़कर थरथराते हुए बाहर आता है, लेकिन उसके कुछ करने के पहले ही राजकुमार अजीत कहते हैं, ओह क्यों ठंडी लग रही है? आग के गोले खाना पसंद करोगे क्या? एलियन अब डर जाता है और कहता है, नहीं हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। मैं आपकी धरती को छोड़कर चला जाऊंगा और मेरे सभी साथियों को भी लेकर जाऊंगा। एलियन ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया और धरती को छोड़कर चला गया। अब राजकुमारों का कार्य भविष्य में समाप्त हो गया था, उनके लौटने का वक्त भी आ गया था। वो भविष्य को अलविदा कहकर वापस लौट आए। तो देखा आपने, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। विलियम जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। मन में उसके कई सवाल चल रहे थे। हमारे गांव की गरीबी कब खत्म होगी? न जाने ऊपर वाला हम गरीबों पर कब अपनी मेहरबानी करेगा। चलते चलते विलियम काफी दूर निकल आता है। यहाँ एक जादूगर जंगल में 3 मुंह वाला जादुई तोता पकड़कर ले जा रहा होता है। अचानक जादूगर के सामने शेर आ जाता है। जादूगर, ऐ शेर यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे अपनी शक्तियों से चूहा बना दूंगा। शेर ने जोर से दहाड़ मारी, इतनी तेज दहाड़ जिससे तोते का पिंजरा खुल जाता है और वो जादुई 3 मुंह वाला तोता वहाँ से उड़ जाता है। ये देख जादूगर बहुत गुस्सा हो जाता है और शेर पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे चूहा बना देता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। विलियम चल ही रहा होता है कि उसे वो 3 मुंह वाला जादुई तोता पेड़ पर दिख जाता है। विलियम तोते के पास आता है। तोता विलियम से पानी मांगता है। विलियम तोते को पानी पिलाता है, जिससे तोता विलियम से बहुत ही खुश था। मैंने कभी तुम जैसा बोलने वाला तीन मुंह का जादुई तोता कभी नहीं देखा। मैंने तो कभी तुम जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा विलियम। मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। तोता अपना आकार बढ़ाकर विलियम को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे गाँव ले जाता है। अब तोता अपने तीनों मुंह से बहुत सारे पैसे निकालता है, जिसे देख विलियम बहुत खुश हो जाता है। विलियम कहता है, मेरे गांव वाले बहुत ही गरीब हैं, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? हाँ जरूर। तोता अपने मुंह से बहुत सारा खजाना निकाल देता है। विलियम वो खजाना सभी गांव वालों में बांट देता है और उन्हें कहता है कि अब वो अपना जीवन सही से बिता सकते हैं। अब पूरा गांव बहुत ही खुशहाल हो जाता है। सभी के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हमारे सभी खेत बंजर हैं, क्या तुम कोई जादू कर सकते हो जिससे हम खेती कर सके? तोता अपने मुंह से तीन जादुई ट्रैक्टर निकालता है। तोता कहता है, ये तीन जादुई ट्रैक्टर हैं, तुम इस ट्रैक्टर को अपने खेतों में चला सकते हो, जिससे कि तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। विलियम उन तीनों ट्रैक्टरों को गांव के सभी खेतों में चलवाता है, जिससे उनके खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। किसी के पास भी अनाज की कोई कमी नहीं होती। यहाँ जादूगर पूरे जंगल में उस जादुई तीन मुँह वाले तोते को ढूंढ रहा होता है। चलते चलते वो जादूगर विलियम के गाँव पहुँच जाता है और कुछ गाँव वालों की बातें सुन लेता है। वो गाँव वाले उस जादुई तोते के बारे में बात कर रहे होते हैं। जादूगर कहता है, अच्छा तो तू यहाँ छुपा है तोते, अभी विलियम कहाँ मिलेगा? जादूगर विलियम को अपनी शक्तियों से अपना बंदी बना लेता है। विलियम के पुकारते ही जादुई तोता वहाँ आ जाता है। तोता कहता है, जादूगर विलियम को छोड़ दे। पहले तू इस पिंजरे में कैद हो, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। विलियम तोते को ऐसा करने से मना करता है। फिर तोता विलियम को बताता है कि जादूगर की सारी शक्तियाँ उसकी छड़ी में हैं। विलियम उस छड़ी को तोड़ देता है और जादूगर भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। शिक्षा, हर जीव से प्रेम करे, चाहे वो दिखने में वो कैसा भी हो, तब ईश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी, हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी, हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।